स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज हम सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें हमें कई ढेर सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलेंगे पढ़ने को। इसमें सबसे पहले हम अलास और हुर्रा जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो आइए देखते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जांपल को हल करके हम इसे बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से हम इन सभी वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला यहाँ है प्रियंका सेड कॉमा एंड कॉमा अलास आई एम रियूड। तो हम बताए हैं कि अगर वाक्य में अलास आए तो यह हमें सॉरो शो करता है, तो हमारा बदल के हो क्या जाएगा, सेट के स्थान पे हमारा हो जाएगा एक्सक्लेम विद सॉरो। ठीक है, तो हम बनाएंगे प्रियंका सेट को हटाकर एक्सक्लेम विद सॉरो। उसके बाद हम अलास को भी वाक्य से हटा देंगे और कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का हम इस्तेमाल करते हैं। दैट आई तो क्या हो जाएगा सी, आई फर्स्ट पर्सन है हमारा तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। उसके बाद एम है तो बॉस हो जाएगा और रियूड। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। राम सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हुर्रे वी हैव वन द मैच। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं राम सेड, अब यहां पे हुर्रा है, इसका मतलब यह होता है कि उल्लास मतलब प्रसन्नता को दर्शाया जा रहा है। तो हम सेड को हटाकर एक्सक्लेम एक्सक्लेम विद जॉय, या फिर या तो हम एक्सक्लेम विद जॉय कर देंगे या तो सरप्राइज करेंगे। एक्सक्लेम विद जॉय या सरप्राइज, उसके बाद हुर्रे को हम हटा देंगे और कॉमा एंड कॉमा को हटाकर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। दैट अब बी हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो हम यहां पे आएंगे राम तो हो जाएगा हमारा दे। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है तो हम यहां से भी थर्ड पर्सन का प्लूरल लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे राम है तो राम का मतलब ही, ठीक है, थर्ड पर्सन का है तो हम उसमें दे प्लूरल को लेंगे। तो दे हो गया है तो हैड हो गया वन द मैच। ठीक, उसी तरीके से आइए हम थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। विने सेड कॉमा एंड कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। ठीक है, तो यहां पे हमारा बनेगा क्या, विने सेड को हटाकर हमको क्या प्रतीत हो रहा है, विने सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें सरप्राइज भी दर्शा रहा है और क्या जॉय। तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, विनय एक्सक्लेम विद जॉय एंड अथवा सरप्राइज। ठीक है, कॉमा एंड कॉमा को हटाकर हम दैट का इस्तेमाल कर देते हैं दैट, और उसके बाद हम वही सेंटेंस को लिख देंगे What a beautiful girl she is. ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। हम इस वाक्य को ऐसे भी बेहतरीन बना सकते हैं that she was
ईद है, सॉरी यहाँ पे ईद है तो हमारा बौद्ध हो जाएगा अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, सी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरीके से भी हम वाक्य को बना सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट यहां पे हमारा है ही सेड ए माय डॉग इज डेड, तो ही हो जाएगा हमारा एक्सक्लेम विद, यहां पे होगा सॉरो क्योंकि डॉग इज डेड है तो सॉरो। उसके बाद कमेंट कॉमा को हटाकर डेट हो जाएगा माय डॉग वॉज इजत वॉज डेड, ठीक है। इसी तरीके से हम ऐसे वाक्य को बदलेंगे क्योंकि हमारा दो तरीके से सॉरो दे सकता है, सॉरो भी कई तरीके से दे सकता है, जैसे यहाँ पे ए दिया ना ए माय डॉग इज डेड, तो हमको इस वाक्य को देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें दुख को दर्शाया जा रहा है। और इन वाक्यों को जैसे यहाँ पे ये है विनय सेड वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी ए, इस वाक्य को देखते ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो वो सरप्राइज से बोल रहा है या फिर वो जॉय से बोल रहा है। तो आइए अब हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड कॉमा एंड कॉमा वाट अ प्लेस, ठीक है, तो ही हो जाएगा ही सेड। तो इस वाक्य को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह या तो सरप्राइज है, ठीक है, वाट अ प्लेस सरप्राइज होकर बोल रहा है या तो जॉय होकर, तो दोनों टाइप से हम बना सकते हैं ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज्ड कॉमा एंड कॉमा को हटाकर दैट, उसके बाद व्हाट, व्हाट को हटाकर हम इट का प्रयोग करेंगे, इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस, ठीक है। अब यहां पे वेरी क्यों लगा हम उसको जानते हैं। ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि जब भी किसी भी वाक्य में जब भी कोई भी वाक्य हमारा वाट और हाउ से प्रारंभ हो और उससे पहले अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब हमको मिलता है तो हम वहां पर वेरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो हम लिखेंगे, ये रूल है इसका कि वाट से अगर स्टार्ट हो उसके बाद क्या जाए, या तो एडजेक्टिव आए या फिर एडवर्ब आए, ठीक है, तो हम उसमें वेरी लगाते हैं। तो इट हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है या फिर एडवर्ब, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हम लिखते हैं, तो इसलिए यहां पे वेरी लगेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड, ही सेड को हटाकर एक्सक्लेम विद, ठीक है, ही एक्सक्लेम विद, अब यहां ब्रेवो है तो हम ब्रेवो को हटाकर अप्लाउज का इस्तेमाल करते हैं, ए डबल पी एल ए यू एस ई, अप्लाउज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दैट कर देते हैं, दैट यू, यू का क्या हो जाएगा, यू का हमारा या तो हम आई कर लेंगे, आई हैड स्टूड फर्स्ट, ठीक। उसके बाद हम थर्ड एग्जाम्पल को इसी तरीके से देख लेते हैं, ही सेड कॉमा एंड कॉमा माय डॉग यू हैव कट योर फिंगर, ठीक है। तो इसमें भी हमें सरप्राइज दिख रहा है कि
ठीक है, उसने कहा हे भगवान तुमने अपना हाथ कट किया। ठीक है, तो होगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, उसके बाद दैट माय गॉड हट जाएगा वाक्य से, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी दर्शा रहा है, मतलब यहां पे भाव को दर्शा रहा है। उसके बाद यू, तो यू का हमारा हो जाएगा आई हैड, सॉरी यू, तो हम यहां यू क्योंकि हम यहां ऑब्जेक्ट में यू को समझेंगे। ठीक है, यू हैड कट योर फिंगर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा होता जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, ही सेड कांग्रेचुलेशन। ठीक है, तो ही उसके बाद एक ही सेड को हटाकर कॉन्ग्रेचुलेटेड, उसके बाद हम भाव के हिसाब से लिखेंगे मी या फिर यू या फिर कुछ भी हम भाव के अकॉर्डिंग मी यू इम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सक्लेमेट एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंफ्रेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस का वीडियो बना दिया है और ये हमारा लास्ट था। ठीक है, ओके बाय।